राखी गुलजार की पहली फिल्म बधू भरण थी, जो 1967 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कोई जानकारी नहीं है। अगली फिल्म बाघिनी थी, जो 1968 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कोई जानकारी नहीं है। अगली फिल्म अपराजेय थी, जो 1970 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कोई जानकारी नहीं है। अगली फिल्म जीवन मृत्यु थी, जो 1970 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म शर्मीली थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म रेशमा और शेरा थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म पारस थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म लाल पत्थर थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म अनोखी पहचान थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म आन बान थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म आंखों आंखों में थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म बेईमान थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म जानवर और इंसान थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म शहजादा थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म शादी के बाद थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म सबका साथी थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म वफा थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म यार मेरा थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म हीरा पन्ना थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म दाग थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म ब्लैकमेल थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म बनारसी बाबू थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म जोशीला थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म पगली थी, जो 1974 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 27 डाउन थी, जो 1974 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली अक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म मेरे सज्जना थी, जो 1975 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म अंगारे थी, जो 1975 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म तपस्या थी, जो 1976 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म कभी कभी थी, जो 1976 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म दूसरा आदमी थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म चमेली मेम साहब थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली एक्सक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म तृष्णा थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म कसम वादे थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म त्रिशूल थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म हमारे तुम्हारे थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म जुर्माना थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म काला पत्थर थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म श्यामला थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म लूटमार थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी।
अगली फिल्म आंचल थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म हम कदम थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म शान थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म रॉकी थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म लावारिस थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म धुआं थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म बरसात की एक रात थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म अनुसंधान थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली एक्सक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म बसेरा थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म श्रद्धांजलि थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म ये वादा रहा थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म ताकत थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म श्रीमान श्रीमती थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म बेमिसाल थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म दिल आखिर दिल है थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म शक्ति थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म बंधन कच्चे धागों का थी, जो 1983 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म आनंद और आनंद थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म बंद होंठ थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली एक्सक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म परमा थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली अक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म जिंदगी जीने के लिए थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म जमीन आसमान थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म पिघलता आसमान थी, जो 1985 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म साहब थी, जो 1985 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म अम्मा थी, जो 1986 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म जिंदगानी थी, जो 1986 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म मुकद्दर का फैसला थी, जो 1987 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म डाकू थी, जो 1987 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म गोल्ड मेडल थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म मेरे बाद थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म फलक थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म प्रतीक थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म सागर संगम थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म रामलखन थी, जो 1989 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म संतोष थी, जो 1989 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म जीवन एक संघर्ष थी, जो 1990 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म सौगंध थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म प्रतिकार थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म रुदाली थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली एक्सक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म प्रतिमूर्ति थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म खलनायक थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म क्षत्रिय थी,
जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म दिल की बाजी थी जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म अनाड़ी थी जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म बाजीगर थी जो 1993 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म फिर ये दांव थी जो 1994 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म स्वामी विवेकानंद थी जो 1994 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली एक्सक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म करण अर्जुन थी जो 1995 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म किस्मत थी जो 1995 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म दुर्जन थी जो 1996 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म जान थी जो 1996 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म अचेना अतिथि थी जो 1997 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म बॉर्डर थी जो 1997 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म जीवन युद्ध थी जो 1997 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म आंखों में तुम हो थी जो 1997 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म श्याम घनश्याम थी जो 1998 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म बारूद थी जो 1998 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म सोल्जर थी जो 1998 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म बादशाह थी जो 1999 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव थी जो 2001 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म तलाश डी हंट बिगिंस थी जो 2003 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म दिल का रिश्ता थी जो 2003 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म शुभ मुहूर्त थी जो 2003 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली अक्लेम्ड रही थी। अगली फिल्म क्लासमेट्स थी जो 2009 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म निर्वाण थी जो 2019 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिकली एक्सक्लेम्ड रही थी। राखी गुलजार की आखिरी फिल्म अमर बॉस थी जो 2024 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपकमिंग रही थी।